नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्ट अदरक का खेत में आ गए। दोस्तों अगर आप जिंजर का, हाँ, अदरक का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, सप्लाई बिजनेस या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो भाई बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। डायरेक्ट किसान से माल खरीदो, डायरेक्ट किसान से माल कैसे खरीदे, रेट कितना होगा, बस माल का साइज देखो, सबसे पहले क्वालिटी देखो, ये कहाँ का अदरक है आपको तो मालूम चल गया, और जिसको जिसको मालूम नहीं है आपको बताएंगे। इस वीडियो में बने रहे, आपको बताएंगे अदरक कहाँ पे सबसे ज्यादा अदरक कहाँ पे उत्पादन, सबसे सस्ता अदरक कहाँ पे मिलता है। अदरक का बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई, कम पूंजी में बढ़िया बिजनेस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात सुन लो, अगर आप व्यापारी हो, बिजनेस करना चाहते हो, सस्ता पे माल खरीदना है, डायरेक्ट किसान से माल खरीदना है, होलसेलर का नंबर चाहिए, किसान का नंबर चाहिए, या फैक्ट्री से माल खरीदना है, तो भाई ए टू जेड बिजनेस वीडियो कहां पे मिलेगा, बिजनेस यूआईटी यूट्यूब चैनल, पूरा बिजनेस का खजाना है भाई यहाँ पे। अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, सर्च करो यूट्यूब में भाई वीडियो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, फायदा में डेली न्यू बिजनेस वीडियो मिलेगा। आई एम अबीर, यू वॉचिंग बिजनेस यूआईटी यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो यार अदरक का बिजनेस दो तीन टाइप का होता है, एक रिटेल होता है, होलसेल होता है, सप्लाई होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। अगर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, बांग्लादेश में माल भेजना है, दुबई में माल भेजना है, तो भाई यहाँ से आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी माल मिल जाएगा, एकदम एक नंबर क्वालिटी। उसका रेट एक एक करके बताएंगे वीडियो में बने रहे दोस्तों। एक्सपोर्ट वाला माल का रेट कितना होगा डोमेस्टिक लेवल पे, जैसे कि आप यहां से माल लेके मंडी में सेल करना चाहते हो, 10 बोरा 20 बोरा लेना चाहते हो, तो भाई टोटल खर्चा कितना होगा। भाई अदरक का बिजनेस भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस। इस बिजनेस में ज्यादा पैसा इनको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कम पूंजी में बढ़िया बिजनेस आइडिया, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है आपको दो टाइप का अदरक मिलेगा, एक कच्चा अदरक मिलेगा और एक पक्का एकदम पूरा सूखा हुआ अदरक मिलेगा, ड्राई अदरक, ठीक है। वॉश किया हुआ अदरक लीजिएगा या बिना वॉश किया, दोनों अलग अलग रेट है, ठीक है। सबसे पहले तो रेट बताते हैं, नहीं थोड़ा सा वेट करो। और ये अदरक आपका असम का होगा, ठीक है, असम, अरुणाचल, ठीक है, उसके बाद शिलोंग, ये सब जगह का अदरक सबसे सस्ता होता है, कर्नाटक, आप सुन लीजिए कौन सा जगह पे अदरक मिलता है ये सुन लीजिए। अगर आप अदरक का व्यापार करने के लिए सोच रहे हो, तो भाई ये जानना जरूरी है सबसे ज्यादा अदरक कहाँ पे उत्पादन होता है, सबसे सस्ता अदरक, लो क्वालिटी अदरक कहाँ पे मिलता है। भाई सुनो, सबसे सस्ता होता है अरुणाचल, ठीक है, ये सब शिलोंग, ये सब जगह, और सबसे महंगा होता है बेंगलोर, कर्नाटका, ये सब जगह सबसे महंगा होता है, ठीक है। अगर आपको माल खरीदना है तो भाई असम से माल खरीदो, सब ठीक ठाक होता है अरुणाचल, ये सब जगह का, ठीक है। अगर आपको असम का नंबर चाहिए या आप बेंगलोर का नंबर या कर्नाटका का नंबर, अगर आपको धंधा करना है, मेन चीज आपको धंधा करना है अदरक का, तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। डायरेक्ट मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नंबर नोट करो 9432954579, ये नंबर मेरा है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और सुबह से लेके शाम तक मेरा कॉल ओपन रहता है, कॉल कर लीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो भाई, खुला सपोर्ट है भाई, अपना भाई है ना भाई, इतना सपोर्ट भाई, मुझे तो सपोर्ट कोई किया नहीं था, हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको धंधा शुरू करना है तो डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कम खर्चा पे माल आपका घर में माल पहुंचा देंगे, एकदम पूरा ट्रांसपोर्ट समेत आपको रेट बताएंगे। धंधा करना है तो भाई खुला धंधा करो, प्रॉफिटेबल धंधा करो, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। हाँ, रेट बताना तो भूल ही गया भाई, 100 रुपये से शुरू, हाँ जी 100 रुपये से आज मार्केट शुरू हुआ है दोस्तों, 100 रुपये से लेके एक्सपोर्ट क्वालिटी 140 तक माल है, ठीक है, 100 रुपये से लेके 140 तक माल है। कच्चा माल लीजिएगा तो उसका रेट अलग होगा दोस्तों, 50 रुपये 60 रुपये 70 के अंदर आपको कच्चा माल मिल जाएगा दोस्तों। मगर हम आपको सजेस्ट करेंगे भाई कच्चा माल अभी धंधा मत करो, पक्का माल लेके, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पक्का माल लो, और कच्चा माल को लोकल में सेल करना है तो कच्चा माल लेके धंधा शुरू कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, बिजनेस करो तगड़ा।